हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजू किचन में हम लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए चलते हैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने। देखिए, 300 ग्राम भिंडी है, इसको धुल लिए हैं और अच्छे से इसको साफ़ कर लिए हैं। पानी थोड़ा सा सुखा लिए हैं और इसको किनारे किनारे का पार्ट इसका इस तरह, देखिए किनारे का, इधर का दोनों पार्ट इसको काट के निकाल देना है। अब बड़ी बड़ी गोटा गोटा भिंडी काटना है टुकड़े में। तो इस तरह की भिंडी काट लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देखिए, पहले से मैं भिंडी काट के रखी थी और दो चार भिंडी उसमें काटे दिखाए हूँ और रख दी हूँ। तो देखिए, 20-25 दाना लहसुन है काट के रखी हूँ, एक प्याज है कटी हुई, 4-5 हरी मिर्च है कटी हुई और इसको काट के रख दिए हैं। अब आगे चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिए, गैस पर कढ़ाई डाल दिए हैं। इसमें 2-3 चम्मच तेल है और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा मेरा चटक जाएगा, देखिए जीरा मेरा चटक गया। अब इसमें डालते हैं भिंडी और इसका फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से चला के भून लेना है। तो जब तक मेरी भिंडी हो रही है तब तक यहाँ मसाला तैयार कर लेती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और गरम मसाला है 1/4 चम्मच का, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। इसको मिक्स कर लेंगे। 2-3 चम्मच दही है, 3 चम्मच इसको इसमें मिला लेंगे अच्छे से। पूरा बढ़िया से मिला लेना है कि ताकि दही और मसाला दोनों एक में मिल जाए। अब वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मसाला मेरा मिल गया। अभी जो दही वाला कटोरी, इसको धुल के थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी इसमें डाल लेते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे, इसमें मसाला भी भुना जाएगा। और यहाँ देखिए, भिंडी फ्राई हो गई अच्छे से। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं, 2 चम्मच सिर्फ। मसाला भुनना है इसमें, भिंडी तो भुना गई है तो तेल कम लगेगा। इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल दिए और 1/4 भाग हींग डाल दिए, 10-20 दाना कटी हुई लहसुन है इसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक चलाते हैं। तो लहसुन मेरा थोड़ा पक गया। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च और प्याज कटी हुई। इसको अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तब तक भूनना है इसको। और इसको ढक देते हैं 1-2 मिनट तक, इसको पकेगा अच्छे से। तो देखिए, 1-2 मिनट हो गया, प्याज और लहसुन मेरा गोल्डन कलर हो गया। अब इसमें मसाला डालते हैं, मसाला भुनेंगे। सब्जी बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनती है। अगर नहीं खाए हैं तो एक बार बनाइए, टेस्ट कीजिए। और अगर खाए हैं बना के तो फिर बताइए आप कैसे बनाते हैं, कमेंट करिए। तो देखिए इस तरह, इसमें थोड़ा सा पानी मसाला वाला कटोरी धुल के डाल देते हैं, मसाला अच्छे से पक जाएगा, मसाला वेस्ट नहीं जाएगा। देखिए मसाला मेरा पक गया, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। और कसूरी मेथी डाल देते हैं 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से चला के अब इसमें हम फ्राई की हुई भिंडी डालते हैं।
तब भिंडी डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि पूरा बढ़िया से मसाला मिल जाए इसमें। तो देखिए 2 मिनट बाद मेरी भिंडी किस तरह तैयार हो गई सब्जी। अब इसको एक प्लेट में हम निकालते हैं। जितने देखने में अच्छी है उतने खाने में भी टेस्टी है, तो एक बार बनाइए खाइए, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और एक बर्तन में इसको अब निकाल लेते हैं। तो बाय दोस्तों, फिर अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्जी देखिए इसमें निकाल लिए, अब सर्व कीजिए, खाइए, आनंद लीजिए।